और उधर यूक्रेन की रूस को बहुत बड़ी धमकी से जुड़ी अगली बड़ी खबर ये कि अपनी जमीन की आजादी के लिए कुछ भी करना पड़ा तो करेंगे, ये यूक्रेन की ओर से साफ कर दिया गया है। किसी भी हथियार के इस्तेमाल की धमकी यूक्रेन की ओर से दे दी गई है। नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल प्रमुख की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। यूक्रेन ने क्रीमिया पर भी अटैक का ऐलान कर दिया है। तो क्रीमिया पर भी हमले का ऐलान यूक्रेन की तरफ से किया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही, क्या क्रीमिया पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्योंकि पिछली बार क्रीमिया पर जो हमले की कोशिश की गई थी उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ था। तो सवाल यही, क्रीमिया पर हमले का काउंटडाउन क्या शुरू हो गया है? तो ऐसे में खबर क्या है इसको आप बहुत आसानी से समझा रहे हैं हम आपको। जेलेंस्की की धमकी सामने आई है और धमकी क्या है, क्रीमिया पर नए वेपन से हम हमला करेंगे, क्रीमिया के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, क्रीमिया हमारी जमीन है और इसे हम वापस लेकर रहेंगे। ये किसी और ने नहीं, खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की तरफ से कह दिया गया। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या काउंटडाउन शुरू हो गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके साथ ही बड़ा सवाल ये कि क्रीमिया में क्या कुछ बड़ा होने वाला है और इसके पीछे की वजह क्या है, इसे भी आपके लिए डिकोड कर रहे हैं हम। देखिए वजह क्या है, रूस ने ब्लैक सी में सुरक्षा दरअसल दोगुनी कर दी है। इससे भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। पुतिन ने क्रीमिया की सुरक्षा का आदेश दे दिया है। उधर जेलेंस्की के नए हथियारों से अटैक की जो धमकी सामने आई है उसके बाद भी इस बात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। और साथ ही साथ ब्लैक सी में अमेरिका का F-22 तैनात हुआ है, जिसके बाद इस बात का अंदेशा और ज्यादा गहराता हुआ कि क्रीमिया में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो क्रीमिया को लेकर अपनी मंशा बार बार जाहिर कर रहे हैं जेलेंस्की। बड़ा सवाल कि क्रीमिया में क्या कुछ बड़ा होने वाला है और क्रीमिया को लेकर क्या काउंटडाउन शुरू होने वाला है। तो ऐसे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं, फिर मेहमानों का अपने रुख करेंगे। क्रीमिया को लेकर जेलेंस्की का हौसला बुलंद कैसे है, बड़ा सवाल यहां पर ये, क्या पश्चिम से क्रीमिया पर अटैक को हरी झंडी मिल चुकी है, ये बड़ा सवाल है। उसके अलावा क्या यूक्रेन को हमले के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल मिलने वाली है, क्योंकि उसके बिना हमला कैसे संभव है। बड़ा सवाल ये भी कि क्या यूक्रेन को अमेरिका से अत्याधुनिक जेट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ये तमाम सवाल है जो मुंह बाए खड़े हैं। लेकिन सिवात सर, सबसे बड़ा सवाल यहां पर तो ये होता है कि अब तक क्रीमिया को लेकर अमेरिका भी चेता रहा था कि ये एक ऐसी कमजोर नब्ज है जिससे आप मत दबाइए, इस पर पुतिन का जो रिएक्शन होगा उसे आप झेल नहीं पाएंगे। मतलब तमाम हथियार देने के बाद भी अमेरिका चेता रहा था कि इस टॉपिक को मत छुइए, लेकिन अगर यूक्रेन इतना खुलकर धमका रहा है, इसके पीछे आप क्या मंशा देखते हैं सर? देखो सच्चाई है प्रतिमा कि जो क्रीमिया है रूस की एक दुखती नब्ज है, इसमें कोई शक नहीं। मगर यह भी सच्चाई है जिस प्रकार से अभी बखमुट की लड़ाई नौ भिन्ने से ज्यादा खिंचकी है और डोनबस के इलाके में अभी लड़ाई में कोई स्टेलमेट टाइप आ गया, चाहे डोनेट्स्क का, लुहानस्क का, ज़ापोरिज़्या, खारासोन। तो अब ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रेशर है कि किसी तरीके से क्रीमिया पे हमला किया जाए। और क्रीमिया जो है वो एक प्रकार इलीगली एनेक्स किया था रूस ने यूक्रेन से। अब जो हथियार दिए जा रहे हैं उसको अगर आप देखें कि आप जो पहले डिफेंसिव हथियार थे फिर ऑफेंसिव हथियार मिलने लगे, M777 अल्ट्रालाइट हाउजर, हाई मार्स मिले, उसके बाद चैलेंजर 2 टैंक मिला, मेन बैटल टैंक ब्रिटेन का, उसके बाद लेपर्ड 2 जर्मनी का, इब्राहिम आम, और अब MiG-29 उनको 4, स्लोवाकिया पोलैंड से 18, और उसके बाद F-16 की बात हो रही है। मुझे लगता है इन गर्मियों के अंदर जब बर्फ पिघल जाएगी और जमीन सख्त हो जाएगी तो रूस जो है ऑफेंसिव की प्लान कर रहा है जो कीव की तरफ टैंकों के साथ जाएगा, और उधर यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव की बात कर रहा है और वो जाएगा क्रीमिया में, और क्रीमिया के लिए उसको मिसाइलें भी मिल रही हैं, उसको अंदर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल F-22 रैप्टर जो हैं वो भी अमेरिका ने लगा दिए ब्लैक सी में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में। मुझे लगता है ये लड़ाई आर पार की जा सकती है क्रीमिया को। ये मैं मानता हूं प्रतिमा जो आपने स्टेटमेंट दी कि अगर हमला होता है क्रीमिया पे तो पुतिन किसी हद तक जा सकते हैं, वो पुतिन नहीं चाहेंगे कि क्रीमिया किसी तरीके से उसमें हार हो, वो न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल आगे राकेश सर आपसे इस पर रिएक्शन लूंगी कि क्या कब्जा छुड़ाने के लिए कब्जे की प्लानिंग काम आएगी जेलेंस्की की।